तो पिछले लेसन में हम लोगों ने टपैस फोटो इफेक्स लैब को स्टडी किया जो कि एक थर्ड पार्टी प्लगइन है इसी तरह से इस लेसन में हम लोग एन आई के कलेक्शन को स्टडी करने लगे हैं दोस्तों एन आई के भी फोटोशॉप का एक थर्ड पार्टी प्लगइन है और एक ऐसा फिल्टर है जो कि बहुत ईजीली अपनी जो इस कंपनी जो कंपनी इस प्रोडक्ट को बनाती है उसकी वेबसाइट के ऊपर ये जो प्लगइन है ये बहुत इजीली अवेलेबल है तो चले चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और लर्न करते हैं एन आई के कलेक्शन दोस्तों फोटोशॉप के अंदर ये मैंने आप लोगों के लिए इमेज जो है ये ड्रैग करके रखा हुआ है इसमें हमारे पास यहाँ पे फिल्टर गैलरी में फोटोशॉप में दोस्तों ये अवेलेबल है जी एन आई के कलेक्शन दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को इमेज नॉमिक के अंदर भी बताया था कि फिल्टर गैलरी में बिल्कुल नीचे करके हमारे पास वो तमाम प्लगइन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और दिखाई दे रहे होते हैं जो हम थर्ड पार्टी प्लगइन के तौर पे फोटोशॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप के साथ तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो एन आई के कलेक्शन है ये भी आपको जो बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स हैं फोटोशॉप के उनके नीचे जाके ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों अगर हम एन आई के कलेक्शन में देखें तो हमारे पास ये पाँच छः डिफरेंट किस्म के जो हैं वो फर्दर ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे कि एनालॉग इफेक्ट्स प्रो टू है कलर इफेक्ट्स प्रो टू है डिफाइन टू है एच डी आर इफेक्ट प्रो टू और शार्पनर वगैरह वगैरह ये जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शन है उनको मैं अभी आप लोगों के सामने जो है वो बयान करने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं ये एनोलॉग इफेक्ट प्रो टू जो है इसको मैं ओपन करता हूँ जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक नई विंडो जो है ये लोड हो गई है और इसके अंदर हमारे सामने लिखा हुआ है एनोलाग इफेक्ट्स प्रो टू जो कि बेसिकली एन आई के कलेक्शन का ही एक हिस्सा है अच्छा दोस्तों तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं ये कुछ टूल्स कॉम्बिनेशनस हैं जो कि हमारे सामने हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे कि क्लासिक कैमरा ब्लैक एंड वाइट कलर कास्ट वगैरह तो चलें इनमें से कुछ को हम जरा स्टडी करते हैं क्लासिक कैमरा के अंदर हमारे पास ये देखें मैं क्लिक करता जाऊँगा और आपके सामने यहाँ पे आ, हमारे इस खूबसूरत सा इमेज के ऊपर ये जो फ़िल्टर्स हैं ये अप्लाई होते चले जाएंगे ये क्लासिक कैमरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाम से ये हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं ये जिस तरह से क्लासिक दौर के पुराने कैमराज होते थे उस तरह का इफेक्ट आपको दिख रहा है इसी तरह से अगर आप ब्लैक एंड वाइट पर आएँ तो बिल्कुल हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो पुराने दौर में होती थी बिल्कुल उस तरह से हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे इफेक्ट्स जो हैं वो हमें बड़े ईजिली अवेलेबल हैं ये जो हमारे पास ऑप्शन है एन आई के कलेक्शन की इसमें हमारे पास कुछ ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन हैं जिसमें हम अपने इमेज को पुराना ओल्ड यानी कि एंटीक भी बना सकते हैं और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे इसमें इफेक्ट जो हैं वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ जी कलर कास्ट पे अब ये कलर कास्ट पे अगर आप गौर करें तो ये देखें डिफरेंट कलर सेट्स उन्होंने बना के रखे हुए हैं कंपनी ने जो कि हम अपने इमेज पे अप्लाई करें तो बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं इसी तरह से मोशन के ऑप्शन है ये डिफरेंट मोशन के इफेक्ट्स हैं जी मोशन के प्लग हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे अपने सामने बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ऑप्शन जो हैं वो बना के हमारे लिए यहाँ पे रखी हुई हैं और मज़े की बात यह कि बिल्कुल सिर्फ सिंगल क्लिक के थ्रू हम जो है वो बहुत मज़े के ऑप्शन हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जी डबल एक्सपोजर की दोस्तों ये डबल एक्सपोयर जो है ये एक खास टेक्निक होती है जिसके अंदर एक ही इमेज को दो बार जो है वो कैप्चर किया जाता है और उसके बाद उनको आपस में मर्ज किया जाता है तो ये वैसे तो एक पूरी इट्स एक कम्प्लीट टेक्निक है लेकिन उसको यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए बहुत ईजी करके जो है वो फिल्टर इफ़ेक्ट के तौर पे यहाँ पे अवेलेबल कर दिया जिसको हम यहाँ से आके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अच्छा जी इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे विंटेज कैमरा की एक ऑप्शन है ये भी जिस तरह पुराने दौर के कैमरास होते थे उस तरह के इफेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और जिस तरह हमने पिछले थर्ड पार्टी प्लगस के अंदर देखा था उसी तरह दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो राइट साइड पे आपके सामने एरिया अवेलेबल है यहाँ पे हर इफेक्ट के साथ डिफरेंट ऑप्शन आपको एडजस्टमेंट्स की मिलेंगी यहाँ पे ये यह देख सकते हैं आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेचरेशन डिटेल इसी तरह से आपके पास ये बोके इफेक्ट की यहाँ पे ऑप्शन है कि आप ये जो बोके है यानी कि ये जो ब्लरनेस पीछे एक आपको नजर आ रही है इसको आप किस कदर बढ़ाना चाहते हैं किस तरह से रखना चाहते हैं इसी तरह से ये लाइट लीक्स है यानी आप डिफरेंट किस्म की लाइट्स यहाँ पे ऐड करना, करना चाहते हैं डिफरेंट किस्म के लाइट के इफेक्ट्स यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं खूबसूरत किस्म के तो ये देखें यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं इनमें से आप जिस भी किसी पे जाके क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपके सामने जो है वो आ जाएगी इसी तरह से आपके पास और बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं जैसे लेंस वेनेट है फिल्म टाइप है इनको आप जैसे जैसे ओपन करके एक्सप्लोर करते चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नज़र आते जाएंगे अच्छा इसको अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको हमने काफ़ी डिटेल में देख लिया है मैं अब दोबारा आता हूँ एना के कलेक्शन में और कलर इफेक्ट्स प्रो के नाम से एक और इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास सेट ऑफ फ़िल्टर्स अवेलेबल है जी एन के कलेक्शन में ये क्या है जी ये डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशनस कलर के डिफरेंट फिल्टर्स बना के यहाँ पे हमारे लिए रखे गए हैं इसको मैं विंडो को एनलार्ज करता हूँ यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर देते हैं बहुत ही इसका इजी सा जो है वो बहुत ही इजी टू यूज़ उसका जो है वो इंटरफेस है एन का ये देखें आप डिफरेंट क्लिक करते जाएं और डिफरेंट खूबसूरत किस्म के कलर इफ़ेक्ट जो हैं वो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि आपके पिक्चर पे जस्ट सिंगल क्लिक से आपको अचीव हो जाते हैं ये देखें जी डिफरेंट किस्म के विंटेज पुराने नए डिफरेंट किस्म के आपको यहाँ पर जो है वो फिल्टर जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है जैसा ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत एक फ़िल्टर हमें नज़र आया जी फॉग ये देखें ये इमेज के अंदर ख़ास किस्म की एक फॉग जिस तरह सर्दियों में विंटर्स में फॉग होती है वो यहाँ पे आपको देखने में मिल रही है अगेन राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास हर इफ़ेक्ट के साथ डिफरेंट ऑप्शन हैं डिफरेंट प्रीसेट्स हैं इन ऑप्शन को आप कम ज़्यादा करके अपना जो इफेक्ट है उसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो ये आप जो है वो एक्सप्लोर करेंगे तो ये आपको मज़ीद जो है वो इसमें समझ आ जाएगी इसके अलावा एक आखिरी मैं इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो एच डी आर इफ़ेक्ट्स के नाम से यहाँ पे अवेलेबल है ये आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों इसको मैं विंडो को लार्ज करता हूँ और ये देखें हमारे पास एच डी आर वाले पैनल में डिफरेंट हाई डायनेमिक रेंज के बहुत ही खूबसूरत किस्म के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएँ सिंगल क्लिक से आपके पास बहुत मज़े के एच डी आर इमेज बनते चले जाएंगे यानी कि आपका ही जो इमेज आपने कैप्चर किया हुआ है वो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक हाई डायनामिक रेंज में जो है वो तब्दील हो जाएगा और बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा अगेन अगर मैं यहाँ पे राइट right साइड पे आऊँ तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं इन ऑप्शन को हम जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे इफ़ेक्ट के अंदर भी चेंज आती चली जाएगी जब आपने किसी भी इफेक्ट को अप्लाई करना होगा तो आप दोस्तों यहाँ से आके ओके okay के बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो जो इफेक्ट है वो आपकी लेयर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा अगर आप स्मार्ट लेयर के तौर पे इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो एक एक्स्ट्रा सेकंड लेयर डुप्लीकेट लेयर के अंदर वो आपको जो है वो अचीव होगा तो ये दोस्तों आपने जो इम्पोर्टेंट और जो बहुत मजे की जो ऑप्शन थी आ, जो देखनी जरूरी थी वो मैंने यहाँ पे आपको एन के कलेक्शन के हवाले से दिखा दी है अब आप लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है